हाँ पापा मुझे पहचान लिया इन्होंने कि मैं वीडियो बनाने आई थी यहाँ पर पहले। पहचान लिया। हाँ पहचान लिया। बाय बाय करो। बाय यार चेयर लगाने को बोल रही है। वाओ माशाल्लाह। बाय बाय करो करो भाई। और ये इनके रूम है ना, इस वजह से तो गर्मी लगती होगी, जलाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, श्री अकाल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। सो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे जहाँ भी होंगे। तो आज मैं रील्स बनाने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। बहुत टाइम से मैं घर घर पे रील्स बना रही हूँ, तो मैं बोर हो गई हूँ। मैंने सोचा आज मैं बाहर जाके बनाती हूँ, तो मैं ब्लॉग भी छोटा सा शूट कर लूँगी और आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो गाइस, मैंने नहीं 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 मैंने तो यार तू मुझे पहले बता देते, तूने वाली शर्ट पहनी है, अपने वाली पहन लेती है ना। तो अभी पहने जाएगी क्या हुआ? नहीं अम्मी प्लीज, अब नहीं, अब कोई टाइम नहीं है, अब हम जा रहे हैं इस वजह से। तो दिख नहीं रहा कि इसके ऊपर कितना मोटापा आ गया। पापा ये इतनी ज्यादा ऐसी चीजें खाता है, कल पीनट बटर लेके गया था, ऊपर इतना सारा खाया बहुत। और पीनट बटर पता कैसे खाया, उस पे बिस्किट पे लगा के खाया है। हां ठीक कर रहा है भाई। हां तो बढ़िया तो है। बढ़िया तो फिर ये भी है, ये पेट एक क्वांटल का जल्दी हो जाएगा। अभी तक तो हमारे घर में कोई नहीं है एक क्वांटल का। पागल है क्या, पब्लिकली ऐसी बात नहीं बताते, नजर लग जाएगी वजन कम हो गया तो। हाँ पापा की जितनी हाइट हो तो बात है ना, हाइट बढ़िया है वजन भी, लेकिन पापा जितनी हाइट थोड़ी है, पापा की तो 5'11" है। हमारे घर में सबसे छोटी हाइट सिर्फ मेरी अम्मी। हमारे पतले लोगों के लिए खाने का सामान आ गया। ये क्या है? ओ वाओ टॉफी। तो गाइस जब मैंने पापा से कहा ना कि अम्मी की हाइट सबसे छोटी है, तो पापा ने उसका जवाब दिया है, जबान तो छोटी नहीं है। ऐसे बोला तुमने, बहुत गलत बात है। नहीं बहुत गलत बात है, छोटी नहीं है हाइट, भले छोटी हो। कितनी बुराई करी तुमने मेरी, बुराई थोड़ी है, हमको खाना नहीं खा रहा यहां पर रात का। नहीं तो बुराई थोड़ी है, बुराई है। वीडियो बन सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आज हम अपनी फेवरेट जगह आ गए, हमने यहां पर स्विमिंग सीखी थी, वो अलग बात है, मैं आई नहीं है। इसको तो आ गई थी थोड़ी थोड़ी, इसने एक दो बार की है बाहर भी। मैं तो तैर लूंगा, इतनी तो है मेरे पे, इतनी क्या है। क्या मतलब है, स्विमिंग कर लूंगा भाई, तैर लूंगा। मका मान जा, आजकल जो है गांव के सीख रहे हैं। हाँ भेजा तो हमारे पापा ने हमें इंग्लिश सीखने था, लेकिन हमें हमारे साथ उल्टा हो गया है। अरे पर सीख गए हैं। नहीं पापा हम बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, सब हमें ऐसा बोलते हैं। मना तो नहीं करने का पापा, मना करेंगे वापस आ जाए। नहीं पापा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है हमें, तुम्हारा दोस्त है। हाँ पापा के फ्रेंड रहते हैं यहाँ पे, हो सकता है हमें वीडियो बनाने की वजह, लेकिन यहाँ पे नेट नहीं चलता पापा। आगे तो कार भी नहीं जाएगी, आगे तो कार भी नहीं जा सकती। यहाँ वीडियो बना सकते, यहाँ की लोकेशन बढ़िया आती है भैया। तो गाइज अब हम मोबाइल नहीं सॉरी व्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर रुके हैं। वो मम्मी का फोन खो गया था ना, तो दिमाग में वही वाली बात रह गई कि फोन इग्नोर माय डबल सिम। और ये यहाँ का है व्यू, इधर अच्छा नहीं है, जहाँ पहले अच्छा था ना वहाँ मेरे पापा ने रुकाया नहीं। अब मैं कहूँगी मुझे वहाँ जाना है तो गुस्सा करेंगे, क्यों मेरे साथ ही क्यों, आखिरकार मैं ही क्यों। ऐसी वीडियो बनाते हैं, उसमें एक बार ऐसे करेंगे। अब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो थोड़ी सी बनाने के बाद आपके साथ वापस आएंगे हम। तो चलिए भाई ये नहीं जा रहा ऊपर बिल्कुल भी, किसी भी कीमत। दोबारा सारी वीडियोस में दिख रहा है ये, मैंने तीन वीडियो शूट किए, तीनों में आया है अब तक। दोबारा नीचे को हाथ करके डाल। तो गाइस वीडियो बनाने आए तो हम अपनी थे, लेकिन हम दोनों यहाँ पर खड़े हुए हैं और वहाँ पीछे वीडियो बना रहे हैं ये लोग। क्या मतलब मेरे 200 के फॉलोवर से मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? मेरी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है ये आप किस जगह पर है, जगह का नाम बताइए। अब मैं उसे क्या बताऊंगी, मेरे घर का टेरेस है भाई। ओ अच्छा यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी एक बार तब। गाइस आज मेरे साथ बहुत धोखा हो रहा है, वहाँ पे मैं अम्मी को लेके गई थी तो पापा आ गए, वो बोल रहे हैं कि यार ड्रामा ना करे। और यहाँ पे मैं इसको लेके आई हूँ तो कह रहा है पहले मेरी पिक्चर्स क्लिक कर दे। यहाँ पर ऐसी फील आ रही है जैसे कि मेरे स्कूल में आ गए, वहाँ पे भी ऐसे ही कलर हुआ हुआ था, बल्कि अभी ये सूखा भी नहीं है ढंग से। यहाँ वाली वीडियोज कम्प्लीट हो गई, अब हम जाएंगे आगे। हमने ना एक लोकेशन देख रखी थी, क्या था उसका नाम अम्मी? घर जाएंगे हम।
धनौरी साइड हमने देख रखी थी। वैसे तो मेरी यहाँ पे इतनी सारी वीडियोस बन गई, मेरा मन नहीं है, लेकिन अभी लोग कह रहे हैं हम वहीं का प्लान करके आए थे, अभी जगह खुली हुई मिल गई तो इस वजह से यहाँ पे आ गए, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। मेरे सर में ये क्यों लगाती है? तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से। कितनी गर्मी लग रही पापा? अब गर्मियों में सही बात है, ये वाला मौसम है वॉक करने का और काले हो जाएंगे फिर। काले कहाँ हो जाएंगे, सनस्क्रीन लगा क्या? ओ पापा को भी पता चल गया उसका सनस्क्रीन। बातों का पूरा ध्यान रखना। नहीं क्यों, जब जो अगर ये काश मोहल्ले की होती तो पूरी अफवाह फैली होती अब तक। अच्छा हुआ जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ये वाला सीन नहीं है कि औरतें एक दूसरे के घरों में बैठती है जाके, वरना तो पता नहीं बस क्या ही होता अंजाम। उनकी सरदार होती, सरदार नहीं यार, वो भी तो कहे कहने लगा देख बोबो तुझे बता रही, किसी को बताइए ना, और पूरे मोहल्ले में फैला भी दिया। पीना भी नहीं आता भाई पानी, इसमें कोई सिखा दो पानी पीना। भाई साहब सारे कपड़े गिल्ले कर दिए अपने, अब नहीं बन सकती वीडियो, वापस घर चलो सब, क्योंकि मैं ही मेन हूँ। आई एम द मेन। ओके कोई हैंकी है किसी के पास? ओ भाई साहब हाँ तो क्या हुआ था? अरे नहीं, तो गाइस जिस जगह पे आना था हम उस जगह पे आ गए। मैं आपको जगह दिखाऊंगी। मेरे घर वालों ने तो मेरे साथ एक प्रैंक कर दिया, जैसे कि मुझे उस दिन वहाँ पे लेके गए थे सेंट्री मॉल, तो वहाँ पे मैंने सूट पहन रखा था, और आज ऐसी जगह लेके आए तो मैं पूरा जीन्स में आई हूँ। वाओ तो जगह है वो ये वाली, यहाँ पे ना ये वाले घर हैं सारे, ऐसे वाले घर बने हुए। मैं बहुत पहले ना यहाँ पे एक बार वीडियो शूट करने आई थी। हेलो तो वैसे तो ये लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, मना करते कि हम तो नहीं आएंगे वीडियो में, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बहुत इन्जॉय करा था, सुबह से शाम तक रुकी थी इन लोगों के पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी, मतलब इन सभी लोगों का अपना सब कुछ है। तो जगह है वो आप ये देख सकते हैं, ये वाली जगह है, और मेरी अम्मी यहाँ पे बात करने लगी है उनसे। उन आंटी ने मुझे पहचान लिया है कि मैं यहाँ पे पहले आई थी, मैंने यहाँ पे हलीमा सुल्तान वाली वीडियो शूट की थी, तो उन्होंने मेरी ज्वेलरी से पहचान लिया। दैट टाइम मेरे कलर भी बल्कि कलर नहीं थे, सॉरी हेयर भी मेरे कलर नहीं थे, अब तो खैर है, ये देख सकते हैं आप। वाह मैं तो इनके घर में ऐसे ही जा रही हूँ जैसे कि बस जैसे मेरा अपना घर हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर इन लोगों ने हमें अलाउ कर दिया तो मैं आपको दिखाऊंगी। यार चेयर लगाने को बोल रही है, वाह माशाल्लाह पहचान लिया। वाह यार नहीं हम तो वीडियो शूट कर रहे हैं। पापा मुझे पहचान लिया इन्होंने कि मैं वीडियो बनाने आई थी यहाँ पर पहले। हाँ उस दिन, लेकिन मैंने वो पूरा अलग सा उड़ किया था ना, इससे 3 साल छोटा है नमता था। देखो मैं भी बच्चों को बताता हूँ, मैंने कहा रहन सहन का ये भी एक तरीका होता है, मैंने कहा इस तरह रहते हैं सब। हम आपके घर दो बार आ गए, अब आप भी हमारे घर आना। देखो उसने क्या कहा तुम्हारे से, हम आपके घर दो बार आ गए, अब आप एक बार हमारे घर भी। चलो सारा बाय, भी अभी स्टार्ट हुआ है वो। हाँ वो हमें हर चीज के लिए अलाउ कर रहे हैं, घूम लो जो करना है कर लो। देख रही हो मम्मी मुझे पहचान लिया उन्होंने, और किसी को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा भाई यहाँ पे कैसे आ गया है? ओह ये यहाँ पे क्या कर रहा है बाबा दानियाल? क्या कर रही है? चलो मैं गोरी तो हूँ, ब्राउन है ये खाली और गोरी है। इन सब ने पहचान लिया अब मुझे, पता क्या है उसका बेल है, बेल है ना। अच्छा बेल लगती है इस पे, मेरी वीडियो यहाँ की है पापा सामने की, जब वो चलते हुए आते हुए है ना, तुम्हारा गाना लगा हुआ है उर्दू, क्या है वो उत्रुगल गाजी, उत्रुगल अत्रुगल पूरा तो पापा ने देखा है, पापा को नाम याद होना चाहिए, अत्रुगल अत्रुल गाजी। कहाँ पे है? वाह और इसकी वजह से तो गर्मी लगती होगी, जलाया हुआ है सर्दियों में तो अच्छा लगा।
और ये क्या है यहाँ पे? ओह अच्छा, चारपाई। ये देखो चारपाई, ये पहले ही बुनी जाती है। मैं वही देख रही हूँ। चेयर्स है वहाँ पे, यहाँ पे भी है ना? हाँ, और बहुत अच्छा। तो सब वो काम पे गए होंगे सभी, अब जो तुम्हारे यहाँ बंदे। हाँ आदमी ये इनके रूम है ना? हाँ रूम है। कितना प्यारा है, वाओ, लकड़ी की चार पाई। एक मुझे लगा मार नहीं आ रही। बाय 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 करो करो भाई। अच्छा बाय बाय। नहीं डर गई वो तो। बाय। अच्छा अब आया, अब आई है कल। बाय बाय करो। बाय। कितनी क्यूट। तो गाइस कैसा लगा हमारा ये व्लॉग? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या बोलते हैं, अगर हम ऐसा, आप चाहते हैं कि हम ऐसा कोई चैलेंज करें कि हम पूरा दिन जैसे ये लोग रहते हैं हम ऐसी लाइफ स्पेंड करें, इनके सारे काम जो हैं वो हम करें, वैसे अलाउ कर देंगे, बहुत अच्छा है, तो हम वो करेंगे, ये और वह दोनों। तो हमें कमेंट वाली बात ज़रूर बताएं, जितने कमेंट्स होंगे हम जल्दी आके वो वाला चैलेंज ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तो इस ब्लॉग को तब तक लाइक शेयर कमेंट करें, बस सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।